इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। और सिद्ध करके भी दिखा दिया, देख रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सम्यक दर्शन का शीतलाचार, शंका, कांछा, विचिकित्सा, अनदृष्टि प्रशंसा, अनदृष्टि संस्तव इत्यादि और भी परिभाषाएं हैं। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता इत्यादि को लेकर के, आठ मदों को लेकर के और भी विस्तृत व्याख्याएं सम्यक दर्शन की शीतलाचार की। वो जो सम्यक दर्शन और शीतलाचार, सम्यक दर्शन के पीछे और स्वाध्याय के पीछे पड़े हैं, उन लोग इस शीतलाचार को भी बहुत अच्छे से समझाओ लोगों को। किसी भी ट्रस्ट के लोग टोपी पहन करके पढ़ाते हैं, वो सम्यक दर्शन के शीतलाचार के बारे में बार बार गुणगान क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि इस तरीके की शीतलाचार करने से और सिर्फ सम्यक दर्शन का हाथ पकड़ने से तुम्हारी दुर्गति भी हो सकती है। फिर उसी चारित्र का पक्ष लेने वाले पंडित जी ने सम्यक ज्ञानी को लपेटा, लपेट करके पूछते हैं, क्या बोलो सम्यक ज्ञानी? अरे सम्यक दर्शन तो सम्यक ज्ञान दोनों युगपत होते हैं महाराज। बोले युगपत तो होते हैं, दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान, रत्नगण साहब का चार का सूत्र है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाता है। हाँ महाराज, सुना तो ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद भी सम्यक ज्ञान का शीतलाचार अलग है और सम्यक दर्शन का शीतलाचार अलग है और चारित का शीतलाचार अलग है। जब तक तीनों के शीतलाचार से मुक्त होकर के आत्म पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ना उसका मोक्ष मार्ग बनता है। व्याख्या इसके पहले ऐसी हो सकता है आपने ना सुनी, चिंतन है बंधुओं, दिमाग में आते हैं सूत्र, बोलते हैं तो मैं बोल देता हूं। और मैं क्या बोल रहा हूं, पंडितों की चर्चा थी, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूं, मेरा तो मौन है। अब वो ज्ञान की चर्चा आई, अब ज्ञान की चर्चा में क्या बोलो, सम्यक ज्ञान के शीतलाचार क्या क्या होता है, तो उन्होंने बता दिया कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, ये सारे आचार सिखा दिए कि ये सम्यक दर्शन के आठ अंग हैं। जब इन्हीं आठ अंगों का निरतिचार पालन नहीं होता तो ये आठ अंग दोष बन जाते हैं। स्वाध्याय का समय भैया जी के माध्यम से सुबह 7 बजे होता है, हम धीरे से पहुंच रहे हैं 7:30 बजे, चल मेरी गाड़ी टमक टू, धीरे से आए पीछे बैठ गए, क्यों? अरे स्वाध्याय करने गए थे, समय सार पढ़ रहे हैं हम। अच्छा तो भैया समय में क्यों नहीं आए? सम्यक ज्ञानी को सम्यक ज्ञान की उपलब्धि तब होती है जब वो समय का ध्यान रखता है, चाहे वो प्रवचन का हो और चाहे पूजन का हो, चाहे अभिषेक शांति धारा का हो और चाहे किसी भी ग्रंथ के स्वाध्याय का हो। सम्यक ज्ञान के ये 8 शीतलाचार हैं बंधुओं। जिससे पढ़ा उसका नाम नहीं बताया, जो पढ़ा उसको अर्थ को सही तरीके से समझा नहीं, अर्थ और शब्द का सही तरीके से उच्चारण नहीं किया, उच्चारण करने की बोली तो चुपचाप बैठ गए, अब तो वही पढ़ लो, हम तो बैठे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए ना। वहां पे कुंदगुन स्वामी की गाथाएं बोली जा रही थी, तुमको मुंह से बोलने में शर्म आ रही है, बोल दो भैया एक पुस्तक मुझको भी दे दो, कुनकुन भगवान की देशना है, मैं भी इसका उच्चारण कर लूंगा, मेरा ये मुख पवित्र हो जाएगा। अरे नहीं तुम पढ़ो, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमको तो सब बात। महाराज कुछ और ऊंचा सुनाओ। अरे क्या ऊंचा सुनाए भाई, तुम पहले इतना नीचे वाला तो समझ लो कि जब भी स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करते समय एक पुस्तक हाथ में रखते हैं, माँ जिनवाणी की उपासना मानी जाती है, काल का समय रखा जाता है, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, ये सम्यक दर्शन के हैं। क्या गुण, इन्हीं गुणों के विरोध में ये दोष बनते हैं, पहले अतिचार के रूप में, बाद में शीतलाचार के रूप में। तो तीनों प्रकार के शीतलाचारी की जब डिबेट हो गई, सम्यक दर्शन वाले को बहुत उतारा और बता दिया कि तुम्हारा सम्यक दर्शन जिसके पीछे पड़े हो, ये सम्यक दर्शन जीवन में पंचम काल में प्राप्त कर भी लो, लेकिन निशील व तत्सम सर्वेशाम सूत्र लगाओ,
सम्यक दर्शन के बारे में सोचो और सोचो कि इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते अगर मैं नरक की यात्रा में चला गया, सप्तम, छठवें, पांचवें, चौथे नरक में चला गया तो मेरा क्या होगा। फिर समझाया कि ज्ञान की आराधना भी करो और उसके साथ थोड़ी सी चारित्र की आराधना कर लो। मुनि नहीं बन सकते, केश लुंच नहीं कर सकते, महाराज पत्नी नहीं छूटेगी, पैसा नहीं छोड़ूंगा, केश लुंच भी नहीं करूंगा, कपड़े भी नहीं उतारूंगा, महाराज दो टमे का भोजन भी नहीं छोड़ सकता, कोई बात नहीं, हाँ तो फिर बताओ मोक्ष मिल रहा कि नहीं। महाराज कितने दयालु भगवान गुरु, कितने दयालु कि श्रावक आकर के मुनि महाराज से कहता है मैं अपनी पत्नी नहीं छोड़ूंगा, पुत्र नहीं छोड़ूंगा, परिवार नहीं छोड़ूंगा, धन नहीं छोड़ूंगा, अपना व्यवसाय नहीं छोड़ूंगा, अपना वस्त्र नहीं छोड़ूंगा, केश लॉन्च नहीं करूंगा, एक समय भोजन नहीं करूंगा, रसी का पालन नहीं करूंगा और मोक्ष चाहता हूं, मुझे मिलेगा तो बताओ, ऐसा कंफर्टेबल वाला धर्म ध्यान करना है। और गुरु कितने दयालु होंगे आप सोचिए, आप सोचते हैं ना कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, लेकिन आचार्यों ने व्यवस्था कर दी, उनने कहा कोई बात नहीं, इन सब के बीच में रह करके भी तुमको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, बताओ क्या करूं, दो प्रतिमा के व्रत ले लो। महाराज आचार्य चक्कर में आ गए, कैसा गृहस्थ है, और व्यवस्था लिख दी, बेटा घर के अंदर रह करके अगर इस तरीके के विकल चारित्र का भी पालन करेगा तो तेरे को एक समय ऐसा आएगा अष्टमी चतुर्दशी के दिन कि तुझको भी शुद्ध चारित्र वाले की अनुभूति होगी। तेरे लिए भी लिख दूंगा मैं, चेलोपष्ट मुनिरिव ग्रही यता याति यति भावम, उनके लिए लिख दिया। क्या लिख दिया कि वो गृहस्थ भी 14 के दिन जब सामायिक करेगा इन प्रतिमाओं के व्रत लेकर के शमशान घाट में जाकर के, एकांत में जंगल में जाकर के, उसके लिए लिखा रत कनक साबकाचार में, कैसा है ये जो सामने बैठा है, ये गृहस्थ कौन है, चेलोप षष्ट मुनिरिव, जैसे किसी मुनि महाराज के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया हो ऐसा वो गृहस्थ है, वो साधु ही है, वो गृहस्थ के रूप में बैठा है, क्या विशुद्धि बढ़ाई होगी, सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था लिखी है। लेकिन जब इसकी बात आती है, चारित्र अधिकार की बात आती है, तो कई पंथ के लोग ऐसे होते हैं बात बंद कर देते हैं। सम्यक दर्शन अधिकार की 40 गाथाएं तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे रत्नगण साहब का चार की, सम्यक ज्ञान की भी पढ़ा देंगे, जैसे ही चारित्र अधिकार शुरू होता है वैसे ही बोलते हैं कल से क्लास बंद है। अब क्या है, क्यों, क्योंकि धारणा है अपनी, अपने तरीके से उनको दर्शन और ज्ञान में तो बहुत उपयोग है, लेकिन चारित्र के प्रति जो विचिकित्सा का भाव है, नानम नानी है, दंशनम दंशनी है, विणो विणता आया, संजमो संजता आया, संयम की भी उपासना, संयमी की भी उपासना, ज्ञान की भी उपासना, ज्ञानी की भी उपासना। ज्ञान की उपासना क्या, ये शास्त्र का जो ज्ञान है, ये ज्ञान की उपासना, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, सही अर्थ को समझते हैं, ज्ञान की उपासना। और फिर ज्ञानी की उपासना क्या, चाहे वो अव्यत सम्यक दृष्टि हो, चाहे संयता संयत हो, चाहे मुनि महाराज हो, जिनके अंदर भी ज्ञान है, उनको देख करके बारंबार नमस्कार है, भगवान आपका छेवसम कितना पवित्र है, आपने अपने हृदय में ज्ञान स्थापित शास्त्र का करके रखा है, आपको भी मेरी वंदना है। और यथा योग्य वंदना होती है, अव्रत सम्यक दृष्टि की अव्रत सम्यक दृष्टि जैसे, संयता संयत की संयता संयत जैसे, महाव्रति की महाव्रति जैसे, तीनों की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञानी को भी अच्छा उतारा, सम्यक ज्ञानी का शीतलाचार कल याद करके आइएगा। समय देता हूं आप लोगों को कि आप लोग सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को ग्रंथों में खोज करके कल बताइएगा कौन कौन से होते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के 8 अंग, इन दोनों 8 अंगों की चर्चा, चारित्र की चर्चा तो खूब चलती है, सम्यक ज्ञान के 8 अंग की चर्चा भी चलती है, लेकिन सम्यक दर्शन का शीतलाचार, सम्यक ज्ञान का शीतलाचार और सम्यक चारित्र के शीतलाचार, तीनों के शीतलाचार को एक बार ग्रंथों के माध्यम से खुद टटोल के देखो। कमेंट बॉक्स में पूछोगे, किसी ब्रह्मचारी को फोन लगा के पूछोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ छूट जाएगा। एक बार इन्हीं ग्रंथालयों में जा करके माँ जिनवाणी, जिसको बार बार नमोस्तु करके उदक चंदन करके चले आते हो, इन तीन विषय को खोजने के लिए एक बार अलमारी खोलो, अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आएगी, माँ खुश हो जाएगी, बोले बेटा किसी बहाने से मुझको अपनी गोदी में उठा तो रहा है। जिनवाणी गदगद हो जाएगी,
उसके अंदर के जुएं, लीकें, दीमक सब दिखेगी तुमको। तुम खुद पूछोगी, माँ अरे मैं तो सोचता था सम्यक्दर्शन सिंह परिभाषा, बेटा तुम बहुत लेट आए, दीमक ने खा लिए बेचार शब्द। जाकर के मंदिरों में देखना, जाकर के गुरुद्वारों में देखना, आयतनों में जाकर के अपने अपने देखना कि ग्रंथ कैसे मंदिर के अंदर रखे रखे दीमक खा के खत्म हो गए। अद्भुत था। तीनों पंडितों का विवाद महाराज शांति से सुन रहे हैं। हाँ पंडित जी, आनंद आ रहा है इस मोक्ष मार्ग की व्याख्या सुनकर के। और पंडित आपस में कितना भी लड़े, महाराज की तो अपनी एक अलग पवित्र धारणा बनती चली जा रही थी। महाराज सोचते चले जा रहे थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों अपने आप में अद्भुत हैं। इनके गुण भी हैं, इनमें अतिचार भी लगते हैं, इसमें शीतलाचार भी होता है। अभी तक तो मैं सिर्फ शीतलाचारी चारित्र के शीतलाचारी को शीतलाचारी समझता था। आज पंडित जी ने बोला सम्यक दर्शन का शीतलाचारी भी शीतलाचारी है। और उस साधु से, पंडित जी से रहा नहीं गया, बाद में सम्यक दर्शन वाले पंडित जी से बोली दिया, पंडित जी चारित्र के शीतलाचारी की इतनी व्याख्या करते हो, उसको ऊंचा उठाते हो, उंगली दिखाते हो, उसको बदनाम करते हो, ये बताओ कि एक चारित्र से भ्रष्ट हो जाए और एक सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाए, बताओ सबसे बड़ा भ्रष्ट कौन है। अब फिर फंस गई एक बात, पंडित जी चुप। महाराज भी और बड़े शानदार तरीके से पंडित जी का डिबेट सुन रहे थे। तीनों अच्छे विद्वान पंडित बैठे आराम से, महाराज किनारे बैठे तो ऐसा देखते हैं महाराज, राजा कहते हैं हाँ पंडित जी, सम्यक दर्शन का सहारा लेने वाले बताइए कि सम्यक चारित्र के शीतलाचारी में और सम्यक दर्शन के शीतलाचारी में सबसे बड़ा शीतलाचारी कौन है। सम्यक दर्शन के पक्ष लेने वाले पंडित जी चुप बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हाँ वो तो पंचम काल में चारित्र को ही, हाँ तो भैया जब चारित्र को ही है तो स्वीकार कर लो तुम भी कि चारित्र हमको भी लेना है। पंडित जी धीरे से बोले, महाराज कुंद गोस्वामी ने ये जो गाथा लिखी है इसका अर्थ बता दो। दंशन भट्टा भट्टा दंशन भट्टस नथ निब्बाणम सिद्धंति चरिय भट्टा दंशन भट्टा न सिद्धंति। जो दर्शन से भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट है, और एक दूसरी उसकी व्याख्या कैसी है कि जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, तीसरी व्याख्या कैसी है जो मुनि महाराज की इस दर्शनमयी मुद्रा दिगंबर मुद्रा को देखने में अपनी आंख बंद कर देता है, उसको भी भ्रष्ट कहा गया। सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि तो वही है, कौन जो दिगंबर मुनि महाराज को देख करके जिनकुल में होने के बाद भी धीरे से खिड़की बंद कर देता है। नहीं देखना क्यों, पंचम काल में नहीं होते ऐसा हमारे गुरु जी ने सिखाया था। अच्छा तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया था पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते, तो आंख बंद कर लो, ढोंगी है। सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि वो ही है जो साधु को देख करके आंख बंद कर ले। दुकान के सामने से मुनि महाराज निकले और जैन कुल का व्यक्ति ही देखे महाराज आ रहे हैं तो चुपचाप सामान लेने के बहाने अंदर चला गया। अरे जितने कदम अंदर निकाल रहे थे उतने ही तीन कदम बाहर निकलवा के महाराज को नमोस्तु कर लेते, तुम्हारा सम्यक दर्शन सुरक्षित हो जाता और तुम्हारा मोक्ष भी सुरक्षित हो जाता। लेकिन तुम बहाना लेकर के महाराज को नमस्कार न करना पड़े अंदर घुस गए। कैसी तुम्हारी मति मारी गई, कैसे तुम्हारे कर्म का उदय है, सोचो। तो दंशन भट्टा भट्टा, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट है, सबसे बड़ा भ्रष्ट तो संसार में वो ही है। सम्यक दर्शन का भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है, शंका कांछा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्था से उसकी शुरुआत होती है। और आगे जाकर के ये रोग धीरे 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 इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि वो सिर्फ गुरु का झंडा पकड़ लेते हैं और धर्म को शास्त्र को छोड़ करके फिर उसी शस्त्र पे उतारू है। खबरदार अगर हमारे गुरु जी के बारे में कुछ बोला तो जान ले लेंगे तुम्हारी। भैया ग्रंथ को थोड़ा सा समय दे करके अपनी जान बचा लेते तो बहुत अच्छा होता। पढ़ने के लिए समय नहीं है, दुकान भी करनी पड़ती है, तुमको क्या है फुर्सत बैठे हो। अच्छा सोना चांदी हीरा मोती बेचने से समय नहीं है और ये दुनिया भर के प्रपंच करने में समय आ जाता है। अभी दूसरी आम सभा बैठाऊं दुनिया भर का आदमी आके बैठ जाएगा। कल बोलूं कि सारी माँ बहनों को और पुरुष वर्ग को अपने सम्यक दर्शन की घोषणा करने के लिए सुबह 7:30 बजे नियम से शांति धारा करनी है। नहीं हो पाएगा महाराज, नहीं हो पाएगा, घर में बहुत तकलीफ है। क्यों, पत्नी की तबीयत खराब है, लड़का सीए का एग्जाम दे रहा है,
ऐसी बताते हैं जैसे दुनिया भर की विपत्ति उसी के घर में टूट रही है। विपत्ति तो तब टूटती है जब तुम दर्शन पूजन से भ्रष्ट हो जाते हो। दंशन भट्टा भट्टा दंशन भट्टस नथि निर्वाणम, किसी भी तरीके से उसको निर्वाण नहीं हो सकता। सिद्धंति चरिय भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट होने के बाद, अहिंसा से, आचार से, अपरिग्रह से, ब्रह्मचर्य से, इनसे भ्रष्ट होने के बाद प्राश्चित लेता है तो अंतर्मुहूर्त में उसी तरीके की फिर भी शुद्धि बढ़ा करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन से एक बार भ्रष्ट हो गया, कहीं का नहीं रहा। तीनों पंडितों की उस बात को सुनते 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 महाराज के अंदर अच्छी धारणा बन रही थी कि मार्ग तो यही है। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एक रूपता का मार्ग है मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। महाराज अंदर ही अंदर सोचते, कितना पर्याय मैंने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठा करके निकाल दी, पर्याय का कितना बहुभाग मैंने तलवार उठा करके ये सोचता रहा कि मंदिर के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, अनीति करेगा तो उसको मार देंगे तो धर्म सुरक्षित हो जाएगा। आज महाराज के मन में पहली बार ज्योति जली, दीपक का दिया जला एक ज्ञान का कि ऐसे में धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। बंदूक उठाने से किसी का धर्म सुरक्षित नहीं रहता। इस संसार में तलवार उठा करके अगर आप सोचते हैं कि एक वाहन रैली निकाल लेंगे, त्रिशूल उठा करके बाहर नहरी निकाल लेंगे तो हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित रह जाएगा, भ्रम में है। जो सोचता है कि बंदूक की नोक पर हम अपने उस धर्म को सुरक्षित रख लेंगे, भ्रम में है। जो व्यक्ति बंदूक की गोली के ऊपर इस्लाम सुरक्षित रखना चाहता है, जो व्यक्ति त्रिशूल और तलवार के ऊपर हिंदुत्व को सुरक्षित रखना चाहता है, वे सारे लोग रामायण उठा लें और कुरान उठा लें तो जीवंत हो जाएगा ये धर्म सृष्टि पर, वसुंधरा हरी भरी हो जाएगी। लेकिन बंदूक की गोली पर कोई धर्म सुरक्षित नहीं रहता। तेज बोलने पर, कसाय करने पर जैनियों का धर्म सुरक्षित नहीं रहता। जैनी बंदूक नहीं उठाता, वो चीटी भी नहीं मारता। सम्यक दृष्टि है महाराज, मंदिर के लिए पैसा दिया, ठीक बात है, मंदिर के लिए मूर्ति दे दी, वेदी दे दी, प्रतिमा दे दी, धन दे दिया, इससे तुम्हारे सम्यक दृष्टि होने की घोषणा नहीं होती। तुम्हारे सम्यक दृष्टि होने की घोषणा तो तुम्हारे कसाय की मंदता और परिणामों से होती है। एक शब्द है विसंयोजना। बंधने वाली प्रकृतियां कुछ और होती हैं, बांधने वाली प्रकृतियां कुछ और होती हैं, करते हैं कुछ और बंध कुछ और जाता है। कसाय के माध्यम से मिथ्यात्व बनता है बंधु। जब ये परिभाषाएं सब में ज्ञान की, जब आप धीरे 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 स्वाध्याय में पढ़ेंगे, विसंयोजना को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अरे हमने भले हाथ में हथियार नहीं उठाया लेकिन मन में कसाय उठा ली, इस कसाय का परिणाम था यही हमारे लिए बंदूक के बराबर था, हमारे सम्यक दर्शन का घात करके जीवन भर के पुरुषार्थ को मिथ्यात्व में ला करके स्थापित कर दिया। बात मेरी थोड़ी सी बजनी तो नहीं लग रही? आ रही है ना समझ में? बहुत धीरे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बंधु आपको कि तीनों पंडितों के चक्कर में बैठ करके राजा का दिमाग धीरे धीरे खुला। राजा के मन के अंदर बैराग बहुत अच्छे से फलीभूत हो गया। महाराज ने अपनी एक धारणा बना ली। क्या धारणा बना ली? अब चाहे कुछ हो जाए, इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की उपासना करना है। महाराज थे अभिरत सम्यक दृष्टि थे, सुन करके घर के अंदर वापिस आ गए, राजकाज में फिर व्यस्त। राजकाज में व्यस्त रहते 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 बहुत काल निकल गया। बहुत काल निकलने पर पत्नी भी साथ में रहती, उससे प्रेमालाप भी होता, मुंह की विषाद की बातें भी होती, हर्ष विषाद गुनगुन भी होती रहती। इन सब चीजों में राजा को भी आनंद आता रहता और इस तरफ शास्त्र के स्वाध्याय को सुनने में भी उनका मन लगा रहता। मंदिर जाते, एक घंटे स्वाध्याय सुनते तो वहीं पे धारणा बना लेते, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र, चाहे कुछ हो जाए स्वीकार करना है। तुम सब विजेता बनो इन भावनाओं के साथ, अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू,
अंशिका पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर, मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर, छत्तीसगढ़।